सारा सामान अभी भी मेरे बेड पे बिखरा पड़ा है अभी। हे व्हाट्स अप गाइस, यू आर वाचिंग RC17 व्लॉग। वैसे आज का प्लान था हमारा एक बाइक राइड का अच्छे से, क्योंकि कल रात बारिश हुई थी उसकी वजह से, बट लग नहीं रहा कि आज की राइड पॉसिबल हो पाई, क्योंकि बारिश भी 15 मिनट रुकती है फिर दोबारा स्टार्ट हो जाती है। कल रात से 5वीं बार दोबारा स्टार्ट हुई है बारिश। दिखाता हूँ मैं एक बार क्या सीन है बार का, वो देखिए आप। बिल्कुल तो बंद हो ही नहीं रही है बारिश, हल्की हल्की चल रही है बस। मैं सोच रहा हूँ कि बाइक निकालूं बाहर, बाइक निकालूं बाहर, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कंटेंट बनाने के लिए गाइस ऐसा तो है नहीं कि रूम में बैठे रहेंगे और कैमरा पकड़ के कंटेंट बना दिया, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। बट अब बाहर निकला कैसे जाए इस कंडीशन के अंदर? तो बैठा बैठा मैं सोच ही रहा था, तभी माइंड में एक आइडिया आया कि कल मैंने काफी सारी शॉपिंग की थी खुद के लिए, क्यों ना आपको भी वो दिखाया जाए, जिससे कि आपके और मेरे बीच में कनेक्शन बना रहे एंड आपको भी पता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कब मैं क्या खरीद रहा हूँ, किस टाइम मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करना जरूरी है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार आपको दिखाई जाए। तो चलिए डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ मैंने कल क्या कुछ शॉप किया। ये सारा सामान अभी भी मेरे बेड पे बिखरा पड़ा है, अभी मैंने कुछ भी संभाला नहीं है इनमें से। तो मैंने सोचा कि क्या कुछ मैंने लिया है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं वॉलेट से, जो कि है फास्ट ट्रैक की ओर से। कुछ इसमें क्रेडिट कार्ड मिले हैं मेरे को फ्री में, जो कि मैं किसी भी एटीएम में या कभी भी किसी शॉपिंग के अंदर यूज़ नहीं कर पाऊंगा। जस्ट अ पार्ट ऑफ जॉक। ये एक कॉलर वाली वाइट टी शर्ट है, जिसे फॉर्मल और कैजुअल दोनों ओकेजन में या फिर सेमी फॉर्मल कह सकते हैं हम, उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये है जैक एंड जॉन्स की तरफ से, ये आइकॉनिक से परचेज किया था मैंने, काफ़ी क्लासिक पीस है। इसके अलावा सेकंड वन भी जैक एंड जॉन्स की तरफ से ही है, इसमें कुछ इस तरह का प्रिंट है, ये काफ़ी यूनिक लगा मेरे को। बाकी टी शर्ट्स नॉर्मल थी जो चलती हैं, बट ये वाला पैटर्न मेरे को काफ़ी यूनिक लगा जैक एंड जॉन्स की तरफ से, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसका भी। बैक से ये बिल्कुल प्लेन है। दो टी शर्ट हो चुके हैं हमारी आइकॉनिक की तरफ से, अब बारी है बेनेटन की। बेनेटन से भी काफ़ी अच्छी डील देखने को मिली मेरे को। एक मैंने प्लेन ब्लैक टी शर्ट ली है, वी शेप, काफ़ी अच्छी फिटिंग है इसकी, बिल्कुल मतलब बॉडी टू बॉडी फिट है। अगर लेयरिंग के अंदर इसे यूज़ करेंगे तो भी ये काम देगी, और नॉर्मल वैसे जिम वगैरह के अंदर पहन के जाते हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसे लेयरिंग के अंदर यूज़ करूँगा, जैकेट्स वगैरह के नीचे या शर्ट्स के नीचे, क्योंकि अभी विंटर्स आने वाली हैं। तो काफ़ी अच्छी डील मिल गई मेरे को बेनेटन की तरफ से, तो मैंने जेट ब्लैक की एक टी शर्ट ली है। नेक्स्ट वन बेनेटन की तरफ से लिया है मैंने शर्ट, वैसे शर्ट्स काफ़ी सारे पड़े हैं मेरे पास, बट इसका ये जो पैटर्न है ये चेक का, ये काफ़ी यूनिक सा लगा मेरे को। नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर आपको दिखता है तो, मतलब ये जो कलर्स हैं इसमें फेडेड टाइप के, जैसे वाटर कलर नहीं होते उस टाइप में फेडेड लुक आ रहा है, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को देखने में। फर्स्ट लुक में ही मेरे को पसंद आ गई, थोड़ी कॉस्टली थी बट पसंद आ गई तो मैंने ले लिया, काफ़ी अच्छा है। ये भी बेनेटन की तरफ से ही है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे को पूरी शॉपिंग के अंदर ये वाली जो शर्ट है वो सबसे अच्छी लगी, आपको कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा एक बार मेरे को। नेक्स्ट मुफ्ती, मुफ्ती की मैंने एक जीन ली है। जितने भी मैं चीनोज पैंट या जीन लेता हूँ वो सारी लगभग मुफ्ती से ही लेता हूँ, क्योंकि इनका जो फैब्रिक है
वो काफी कंफर्टेबल है। इसको पहनते हैं ना तो पहनने के बाद ऐसे लगता नहीं है कि जीन पहन रखी है। ये मतलब ब्लू टाइप का कलर है, ब्लूइश कलर है। इसे फॉर्मली भी पेयर कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, एंड कैजुअली तो काफी अच्छा देगी ही देगी। ये स्टफ है इसका, ये मुफ्ती की तरफ से है। इनको कर दिया खाली। एंड अभी दो आइटम्स हैं हमारे पास, शूज एंड इसके अंदर एक और पैंट है। एक बार पैंट देखते हैं, लास्ट में देखेंगे शूज। काफी यूनिक है शूज भी। ये ली है मैंने ब्लैक जीन आइकॉनिक से, ये भी जैक एंड जॉन्स की तरफ से है। इसका स्टफ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो मुफ्ती वाला स्टफ है बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रेचेबल क्लॉथ है ये। इसमें भी काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होता है। इसे पहना तो पहनने के बाद सेम वही फीलिंग आई कि जैसे जीन नहीं पहन रखी है, कोई ट्राउज़र या कोई लोअर पहन रखा हो, इजी सा बिल्कुल कंफर्टेबल है। इसलिए मैंने लिया, क्योंकि ब्लैक का अभी मेरे पास पेयर था नहीं, सो मैंने सोचा कि ब्लैक ले लेता हूँ, क्योंकि ब्लैक यूनिवर्सल कलर है। इसे कहीं भी पेयर कर सकते हैं, कैजुअल पार्टीज़ में या फिर सेमी फॉर्मल के अंदर भी आप इसे कैरी कर सकते हैं। अभी कॉलेज स्टार्ट होने वाला है तो दैट इज़ वाई मैंने इसे परचेज कर लिया, क्योंकि काफ़ी कपड़ों की ज़रूरत अब मेरे को पड़ने वाली है। तो आइकॉनिक का भी हो गया सारा, अब बारी है शूज़ की। शूज़ लिए हैं मैंने प्यूमा के, जो कि BMW मोटर स्पोर्ट सीरीज़ के हैं। काफ़ी अच्छे शूज़ हैं, ब्लैक कलर के अंदर है। मैं निकाल के दिखाता हूँ, पीछे की तरफ प्यूमा की ब्रांडिंग एंड साइड के अंदर ये जो BMW का लोगो है, ये एनहेंस करता है पूरे शूज़ के लुक को। कुछ इस तरह का स्टफ है। यहाँ फ्रंट में भी प्यूमा का लोगो दिया गया है। एक बार मैं इसे आपको लाइट में करके दिखाता हूँ प्रॉपर। इसमें दो कलर की शेड आती हैं, हल्का सा इसमें वाइट आपको देखने को मिल रहा है एंड इधर BMW का लोगो एंड इधर प्यूमा का लोगो। इस तरफ से यहाँ पे ब्रांडिंग है BMW मोटर स्पोर्ट्स। कमेंट करके बताइएगा शूज़ कैसे लगे। अब तक की जो मेरी शूज़ की कलेक्शन है उनमें टॉप पे तो नहीं कहूँगा, बट सेकंड नंबर पे मैं इसे रखना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसके अंदर, जैसे ही मैंने इसे पहना पहनते ही ले लिया। ये पेयर है शूज़ का। सो ये थी कंप्लीट शॉपिंग। एंड इसके अलावा एक और काम मैंने करवाया है, आपने नोटिस कर ही लिया होगा, जो मेरा लैपटॉप है उसकी स्क्रीन मैंने करवा ली है चेंज पूरी तरह से। ये वाली स्क्रीन कैसे लग रही है आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इसी के साथ इसके अंदर भी थोड़ा सा काम करवाया मैंने, यहाँ पे स्क्रीन गार्ड लगवा लिया है एक अच्छे वाला, और इधर की प्रोटेक्टर लगाया है एंड यहाँ पे मैट फिनिश लैमिनेशन करवा लिया है। वैसे जब नॉर्मली काम करते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, तो कई बार क्या होता है वो डुल जाती है इसके ऊपर, या पानी वगैरह के छींटे वगैरह लगते रहते हैं। तो उसके कारण अब क्या है, एक तरह से ये वाटरप्रूफिंग हो गई है हमारे कीपैड की, जैसे डस्ट और वाटर वगैरह अंदर नहीं जाएगा। सो ये काम किया था कल मैंने पूरे दिन भर। अकेला कल का दिन तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इस शॉपिंग को करने में पूरे दो दिन लगे हैं। वैसे भी मैं सुबह थोड़ा लेट उठता हूँ, उसके बाद घर से निकलते निकलते एक डेढ़ आराम से बच जाता है, एक डेढ़ बजे मार्केट में पहुँचते हैं, उसके बाद शॉपिंग करते हैं, तो 3-4 घंटे होते हैं शॉपिंग करने के लिए। बाद में अंधेरा, फिर घर पे आना होता है, फिर दोबारा, ऐसे करके 2 दिन का टाइम लगा मेरे को ये शॉप करने में। एंड साथ में मेरे कज़न था आयुष, उससे भी आपको मिलाऊंगा नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिला तो। उसने भी शॉपिंग की थी, फर्स्ट डे कुछ शॉपिंग उसने की, कुछ मैंने की, सेकेंड डे सारा मैंने शॉप किया एंड थोड़े बहुत उसने भी कुछ अपने लिए कपड़े वगैरह लिए। तो पूरे 2 दिन हमारे इस तरह चले गए। एंड आज मैंने सोचा मोटो व्लॉगिंग करते हैं, बाइक पे कहीं चलते हैं, घूमने चलते हैं, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, बट सुबह से 5 बार बारिश आई है। अभी व्लॉग करते करते बारिश रुक चुकी है, बट देखते हैं, अगर दोबारा स्टार्ट हुई तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर रुक गई है पूरी तरह से तो एक राउंड ज़रूर लगा के आएंगे बाइक पे, कैसा लगता है। वैसे भी आज संडे है, शाम के 5 बज रहे हैं, आज जिम वगैरह कुछ है नहीं, तो पूरा दिन फ्री है अपने पास। तो देखते हैं अगर मौका मिलेगा इवनिंग तक, इवनिंग तो हो चुकी है, देखते हैं 6 बजे तक वेट कर लेते हैं, अगर बारिश नहीं हुई तो फिर हम निकलते हैं बाइक लेके।
अगर बारिश नहीं हुई तो मिलेंगे आपसे एक छोटी सी बाइक राइड पे, अगर बारिश होती है तो फिर यहीं पे कर देंगे इस व्लॉग को स्टॉप। एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पूरी शॉपिंग में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा एंड कौन सा प्रोडक्ट इन फ्यूचर आप भी परचेज करना चाहेंगे, मुझे जरूर बताइए कमेंट सेशन के अंदर। मैं सभी के कमेंट के रिप्लाई देता हूँ, हैंड टू हैंड उन्हें रीड भी कर लेता हूँ। सो जरूर कमेंट कीजिएगा एक बार, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा RC17 व्लॉग्स को।